सो 9/10 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में करना है. तो ऐसे कर सकते हैं 9/10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 90% होगा. हमें ऐसे नहीं करना है. सो अभी एक हमें तरीका निकालना है. इसमें हमें क्या करते हैं, 9/10 को ये 1 से कितना कम है, तो ये 1 माइनस 1/10 के बराबर है. तो 1 क्या होता है, 100%, एंड ये 1/10 कितना हो जाएगा हमारा, 100 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10%. तो ये होगा 90%. वैसे हमें 2/3 को निकालना है अगर फ्रैक्शन में, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 100%. और ये माइनस 33/1/3% ये हो जाएगा हमारा. अब हम इसमें क्या करेंगे, 33 माइनस नहीं करना है, 33 1/3 का ज़्यादा नंबर क्या है, इससे ज़्यादा नंबर क्या, तो 34 माइनस करना है. सो 34 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सो ये जाएगा 66. और फिर क्या करते हैं, हमें जो नीचे वाला नंबर है उसे ऊपर घटाएंगे, 1 माइनस 3 करेंगे, तो उसे 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3%. ऐसे ट्रिक है, जैसे 100 में से आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है 57, 2/3. तो हम 57 माइनस नहीं करेंगे, हम 100 में से माइनस करेंगे 58, इससे ज़्यादा वाला नंबर. तो ऐसा आंसर क्या आएगा, 42. एंड 3 को 2 से माइनस कर देंगे, 1/3. सो ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो नंबर दे रखा है उसे पर ज़्यादा बड़े नंबर, एक बड़े नंबर से माइनस कर दो, और फिर नीचे जो है उसे ऊपर माइनस कर दो, ऊपर लिख दो, और नीचे वाला फ्रैक्शन तो वैसे ही रहेगा. तो 42 1/3%. अगर आपको 100 में से 40 1/5, तो यहाँ पे आप 100 में से 40 नहीं, 41 माइनस करेंगे. तो 41 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तुम्हारा आएगा 59. और इसे ऊपर से 5 माइनस 1 4/5%. तो इसमें जैसे 7/8 को क्या लगता है, 1 माइनस 1/8, तो ये 100% हो गया. 1/8 होगा 12.5%. तो उसको माइनस करेंगे तो हमें इसे 13 माइनस करेंगे, 12 नहीं, इसे एक नंबर ज़्यादा करेंगे, 13 माइनस करेंगे तो 87 आएगा, और 2 माइनस 1 तो 1/2%.